ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इस मौके जब पत्रकार दे वल्लों मरीजा दे नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि अजिहा कदे नहीं होया कि जेकर डॉक्टर दे वल्लों किसी मरीज नूं टेस्ट लिखे होण तां उह उसे दिन टेस्ट करा के डॉक्टर नूं रिपोर्टां दिखाउण तों बाद दवाई लैके अपने घर चले जाण। जिन्हां मरीजा दे टेस्ट लिख हो जांदे ने उन्हां मरीजा नूं दो दो तीन तीन दिन इत्थे इलाज अते टेस्ट करवाउण लई खज्जल खुआर होणा पैंदा। जगनंदर सिंह हॉस्पिटल आए हो किदां हालात है, मैंबर सीनियर सिटीजन काउंसिल रोपड़ ते मैं देखिया और बहुत रश रहिंदा जिहड़े काउंटर ते, इस करके मेरी यही रिक्वेस्ट है पंजाब सरकार नूं वी काउंटर वधाए जाण। जिहड़ा सीनियर सिटीजन दा इक काउंटर है उह स्पैशल लाया जावे, ते इक इत्थे सिस्टम होर है वी पहलां काउंटर ते पर्ची कट्टण तों बाद पहलां इह फिर डॉक्टर साहिब पर जाया जांदा, फिर डॉक्टर साहब पास जाने के बाद उधर टेस्टों वाल जाया जाता, उरे फिर आके एक बार पर्ची कटाउनी पैंदी है। ये जो सिस्टम है इन बंद कराया जाए, टेस्टों के भी कई जगह नंबर लाने पैंदे है, ये सिस्टम बंद कराया जाए। जो एक बार टेस्ट लिखते तो सीधे डायरेक्ट लैबोरेटरी हो जाने चाहिए है। आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी हिलजुल तो हो ही है, पर जो स्टाफ उन्होंने थोड़ा जहा अपने आप में सुधार करना पेगा, क्योंकि हूँ इतने जो रश है अगे नो ज़्यादा पै रहा है, तो लोगों की जी गिणती है वो भी अगे ना स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो इस करके जो काउंटर है वो भी बधाए जाए, तो जोड़िया पर्चिया थों थों कट्टिया एक परची लैन तो बाद सीधा लैबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए। हॉस्पिटल माता जी लेके आए थी दवाई दवा, डेढ़ घंटा हो गया जी। दिक्कत की आ रही है? और देखो जी लाइन सारी खड़ी है उत्थे, कोई डॉक्टर पूछा नहीं, डॉक्टर हूँ बाहर निकल गया जी। अच्छा, पर्चिया फड़िया नहीं अंदर जी, जिन्हें मतलब फोन से कहने भी सूँ बुलाया अंदर पड़ी जाने जी। हाँ जी देख लो जी, आओ देखो लाइन लगी पी है जी, आओ देखो जी धक्के मारता, आओ देखो जी। की नाम है जी? जसविंदर कौर है जी। की इलाज कराने अस मेरे मुंडे ने पीलिया दस्या जी, काला पीलिया सन, तीन दिन हो गए जी, ना तीन घंटे हो गए, चार खड़ी नहीं, मैं रिपोर्टा नहीं अंदर जान देते जी दिखाने। हाँ जी रिपोर्ट सरकार भी नहीं कहती सुधार करा। हाँ जी नहीं जी होया नहीं जी। की अपील करते हो सरकार से, की कहना चाहते सरकार को, की होना चाहिए साढ़े जी? सुधार होना चाहिए जी सानू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना है सर। कहाँ से आए? हम यूपी से आए हुए। क्या करवाने आए हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए थे। तो हो गया? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है जी कि मैं खांसी भी आता है जी, तो पेट में दर्द भी होता है। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है हॉस्पिटल में आपको? दिक्कत आ रही है जी कि मैं पर्ची दिया हूँ, उन्होंने बोला बुलाता हूँ, डेढ़ घंटा से मैं बैठे बुला नहीं रहे। अच्छा, कितने घंटे से बैठे हुए? चार पाँच घंटा हो गया सर बैठे हुए। हाँ दिक्कत है आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं। उथे ही इस मामले ने लेके जब रूपनगर दे सिविल सर्जन डॉक्टर परमिंदर शर्मा दे नाल गलबात की गई तो उन्होंने की कुछ कहा, तुसी खुद ही सुन लवो। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल दे विच जिहड़ी हैगी रश काफ़ी देखा गया, लोग बड़ी दिक्कतों के आ रहे हैं, टेस्टों वास्ते कई कई घंटे लाइन च लगना पै रहा, कई दवाई जी उपलब्ध होने के बावजूद नहीं मिल रही है, इधर की दिक्कत आ रही है, तो लोग जी है मतलब परेशान हो रहे हैं, की कहना चाहते? इस बारे मैं SMS साहबान तो मैडिकल अफसर साहबान के नाल एक मीटिंग कर रहा है कि यह समस्या ना आवे मरीजों नूं, ते डॉक्टरां नूं असीं हिदायत भी करांगे कि OPD च जिहड़े डॉक्टर भी टेस्ट लिखते हैगे आ उन्हां नूं मरीजों नूं थोड़ा दस दिता जाएगा। इहदे संबंध में असीं फ्लैक्स भी लगा देंगे OPD विच भी, तो डॉक्टरां दे कमरियां दे विच भी, कि वह पहलां अपनी इत्थों फीस जमा करा के फिर लैबोरेटरी अपने टेस्ट कराण। इस नाल सानू काफ़ी लोगों को पता नहीं हुंदा, वो पहला उधर लाइना च लग जाते हैं, तो फिर ये दोबारा आके फिर वो बिल कटाना पैदा, इस करके उन्होंने काफ़ी परेशानी करनी पैंदी है। एक जिहड़ी हैगी आम तौर पर लोगों की काफ़ी भीड़ है, रश बहुत है, तो डॉक्टर की थोड़ी कमी देखने को लग रही, लोग भी महसूस कर रहे कि डॉक्टर इलाज तो वधिया कर रहे हैं पर डॉक्टर की कमी है जी, उसको पूरा किया जाए, मतलब अपने किन्नी कमी हैगी है, सरकार को मांग की गई आप? असी जिस तरह इतने लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल स्पैशलिस्ट साढ़े को एक ही है,
गायनीकोलॉजिस्ट के डॉक्टर भी है नहीं गए, सकैटरी के डॉक्टर नहीं है, कई है तो एक अपने रेडियोलॉजिस्ट नहीं है डॉक्टर, एक जो पोस्टमार्टम के माह डॉक्टर होंगे, फोरेंसिक वाले भी डॉक्टर की कमी हैगी है। एम एल ए साहबान आए थे साढ़े सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने ये बारे जाणू करा दिता सीगा, असी उपर भी अपने हायर अथॉरिटी नूं भी ये बारे जाणू करा के लैटर लिख दिती हैगी। की मानते हो अगर जे जी कमियां जो डॉक्टरों दवाइया कमियां पूरी हो जाए तो किन्ना लोगों जो है फायदा मिल सकता, किन्ने परेशानी घट सकती लोगों ने? देखो ये जी सिविल हॉस्पिटल में सुविधावान सरकार वालों दी जा रही है, इन्हों का भरपूर फायदा उठाना चाहिए है, क्योंकि डॉक्टर साढ़े जोड़े बहुत ही लायक है, तो जिस तरह ही ये डॉक्टर होर साढ़े को आ जाएंगे तो ये जी रश होया है ये लोगों बहुत फायदा होगा। दस दी कि सत्ता विच आउण तों पहलां आम आदमी पार्टी दे लीडरां वल्लों लोकां नूं वधिया सिहत सहूलतां देण दे वादे तां कीते गए, पर हुण देखणा होवेगा कि आम आदमी पार्टी दी सरकार दे लीडर लोकां नाल कीते वादे किन्नी क जल्दी पूरे करके लोकां नूं वधिया ते बिना किसी परेशानी तों सिहत सहूलतां प्रदान करदे ने। रूपनगर तों सज्जन सिंह सैणी, पंजाबी लोक चैनल।